एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ओ वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अफशा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मेडिमिक्स के एंटी डैंड्रफ शैम्पू का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने अमेज़न से लिया है। अगर आप भी इसे बाय करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, या व्यू प्रोडक्ट में भी आप चेकआउट कर सकते हो। नाउ मेडिमिक्स, ये नाम सुनते ही बचपन की काफी सारी यादें ताजा हो जाती है। बिकॉज बचपन में आई एम श्योर हम सब ने कभी ना कभी मेडिमिक्स साबुन से नहाया होगा, और उसकी जो क्लासिक फ्रेग्रेंस थी, ओ माई गॉड। तो जैसे मैंने इसको अमेजोन पे देखा, मैंने सोचा कि फटाफट से मैं इसको जो है बाय कर लेती हूँ। आई रियली लव मेडिमिक्स वाला फ्रेग्रेंस। एंड वो साबुन ना काफी पॉपुलर होता था उस टाइम पे, से माना जाता था ओ माई गॉड दिस इज द आयुर्वेदिक साबुन एंड ऑल। तो मैंने इसको फटाफट से बाय कर लिया, बिकॉज मुझे डैंड्रफ का बड़ा गंदा वाला प्रॉब्लम है। नाउ यहाँ पे इस प्रोडक्ट को रिव्यू करने से पहले मैं आपको अपना हेयर टाइप बता देती हूँ। तो जो मेरा स्काल्प है वो बहुत ज्यादा ऑयली है, और मेरे जो बाल है वो एकदम झाड़ू जैसे ड्राई है, लेकिन क्योंकि मैंने इस पर रिबॉन्डिंग वगैरह कराई हुई है तो उतने ज्यादा ड्राई अब नहीं लगते। मतलब नॉर्मल शैम्पू से आप डव वगैरह से धोते हो तो मैनेजेबल रहते हैं काफी ज्यादा। स्काल्प की अगर मैं बात करूं तो मेरा स्काल्प जैसे कि मैंने काफी ज्यादा ऑयली है, और डैंड्रफ के मेरे फ्लेक्स निकलते हैं, बारीक बारीक डैंड्रफ नहीं होता है मुझे, जनरली फ्लेक्स निकलते हैं मेरे। एंड इसके लिए मैंने काफी ज्यादा पास्ट में जो है स्काल्प प्रो शैम्पू यूज किया हुआ है, जो मेरे बालों पे अच्छे से वर्क करता है। एक टोटल रिपेयर आता है जो बहुत महंगा है, तो आई वॉज सर्चिंग इन अ न्यू शैम्पू ताकि मैं वो रिव्यू कर पाऊं और इकोनॉमिकल हो, वो बहुत ज्यादा महंगा ना हो। तो मेडिमिक्स का ये वाला जो शैम्पू आता है वो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आ जाता है। मेडिमिक्स हम काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं, तो काफी जाना माना ब्रांड है। नो ये जो बॉटल है वो 400 ml की आ जाती है, और इसका जो प्राइस है दैट इज 285 rupees, लेकिन Amazon पे अभी डिस्काउंट में आपको ये 228 rupees या अराउंड 200 के आप बोल सकते हो मिल जाता है, विच इज ग्रेट। 400 rupees के हिसाब से इसका, लाइक 400 ml के हिसाब से ये जो प्राइस है काफी डिसेंट है। बॉटल जो है बेसिक प्लास्टिक बॉटल आ जाती है कुछ इस तरह की, इसमें पैराबेन नाइट्रोज या SLS कुछ भी नहीं है, विच इज ग्रेट थिंग। तो ये जो है इसमें SLS पैराबेन वगैरह इस प्रोडक्ट में नहीं है यहाँ पे, तो हमें पता है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर जा क्या रहा है। और अब आते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेजिंग कुछ इस तरह की आती है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो हल्का पर्पल कलर का आ जाता है, जेल लाइक कंसिस्टेंसी में ये आ जाएगा। इसकी जो फ्रेग्रेंस वो क्लासिक मेडिमिक्स के सोप में जैसी आती थी बिल्कुल उसी तरह की आती है, जो कि मुझे बेहद पसंद है। इसके फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो जेल बेस्ड फॉर्मूला है, और थोड़ी सी ही क्वांटिटी में काफी ज्यादा झाग हो जाता है, और ये स्काल्प को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है, वे डाउन हेयर नहीं लगते हैं। वे डाउन हेयर का मतलब होता है बाल धोने के बाद कई बार ऐसा होता है ना कि ग्रीजी ग्रीजी लगते हैं, तो ग्रीजी हेयर मेरे बिल्कुल नहीं लगते। अच्छा, क्या ये डैंड्रफ पे काम करता है? तो एज यू कैन सी मुझे जो है बहुत ही ज्यादा फ्लेकी डैंड्रफ है, बिल्डअप होता है मेरे स्काल्प पे, और बहुत ज्यादा जो है फ्लेक्स निकलते हैं। तो क्या ये मेरे डैंड्रफ को कम करता है? ना ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो मैं रोज ही हेयर वॉश करती हूँ, अमूमन बहुत कम ऐसा होता है कि एक आध दिन मैंने कभी स्किप कर दिया, या ऑल्टरनेट डे तो मैं करती ही करती हूँ, और मैं ये शैम्पू को लगातार यूज कर रही हूँ। इसके पहले जो मैं शैम्पूज यूज करती थी, मुझे डव काफी ज्यादा पसंद है, स्काल्प प्रो है, लॉरियल का एक रिपेयर वाला आता है डैंड्रफ के लिए, लेकिन वो बहुत महंगा है। सेवा का अगर आप कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो तो उसके बाद वो डैंड्रफ पे वर्क करना छोड़ देता है, कुछ दिन का गैप आपको लेना पड़ता है दूसरे शैम्पू के साथ। तो इसने मेरे बालों पे से 100% डैंड्रफ को रिमूव किया है क्या? नहीं, ये 100% डैंड्रफ को मेरे बालों पर से रिमूव नहीं करता है। मेरे बाल क्लीन हो जाते हैं, स्काल्प कुछ हद तक साफ महसूस होता है, साफ होता है, बट ये मेरा क्योंकि स्काल्प इस पे जो है चिपका हुआ डैंड्रफ है उसको रिमूव करने में हेल्प नहीं करता है। 100% तक तो मैं कहूंगी कि नहीं करता है, 10-20% तक आपका डैंड्रफ जो कि ऊपर ऊपर बालों में है वो रिमूव जरूर हो जाता है, लेकिन स्काल्प वाले डैंड्रफ को ये रिमूव नहीं करता कम्प्लीटली। हेड एंड शोल्डर्स वगैरह भी नहीं करता है, जो स्काल्प पे जो डैंड्रफ होता है ना उसको एकदम जड़ से नहीं कर सकता है, बट हेड एंड शोल्डर्स 50-60% यूज वर्क करता है। ये वाला जो है 20-30% तक आपके स्काल्प पे वर्क करेगा, कंप्लीट डैंड्रफ एक बार में आपका नहीं निकलेगा, और जो साफ होती है आपकी स्काल्प की स्किन उस पर दूसरे दिन ही दोबारा से डैंड्रफ बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ एंटी डैंड्रफ जो शैम्पूस आते हैं जो स्पेशलाइज होते हैं डैंड्रफ के लिए, उनमें 2-3 दिन के बाद डैंड्रफ बिल्डअप होना चालू होता है। ये वाला क्लीन कर देता है 30% तक, बाकी 70% तक एज इट इज रहेगा, जो आपके स्काल्प में स्टिक हुआ डैंड्रफ है वो बिल्कुल एज इट इज रहेगा, वो नहीं निकलेगा, और जो ऊपर आपके बालों पे फ्लेक्स है वो इससे जरूर निकल जाते हैं 30% जो डैंड्रफ है, लेकिन दूसरे ही दिन वापस से जो है डैंड्रफ आना चालू हो जाता है। क्या ये मेरे बालों को रफ एंड ड्राई बनाता है? वेल ऑनेस्टली ये उतना रफ एंड ड्राई नहीं बनाता है जितना कि हेड
हेड एंड शोल्डर्स बनाता है बट उतना भी बालों को स्मूथ नहीं करता है जितना कि डव करता है। तो अगर आप इसके बाद एक अच्छा कंडीशनर लगा रहे हो तो बैलेंस हो जाएगा हेड एंड शोल्डर्स के जितना बुरा बालों का हाल ये नहीं करता है। बट ये बालों से 100% डैंड्रफ को तो बिल्कुल रिमूव नहीं करेगा। अगर आपको डैंड्रफ का बहुत ज्यादा इश्यू नहीं है, बारीक डैंड्रफ है या आपके बालों में डैंड्रफ है, आपके स्काल्प में चिपका हुआ डैंड्रफ नहीं है, तब आप इस प्रोडक्ट के लिए डेफिनेटली जा सकते हो। बट अगर आपको मेरी तरह बहुत ज्यादा डैंड्रफ है तो इसके साथ साथ आपको एक और अच्छा एंटी डैंड्रफ यूज करना पड़ेगा, वरना कोई फायदा नहीं है। मैंने अभी बाल धोए और सुबह दूसरे दिन वापस से बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, विच इज मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। एज अ नॉर्मल शैम्पू आप इसको कंसिडर कर सकते हो क्योंकि क्वांटिटी काफी अच्छी आ रही है, ये बालों को क्लीन बहुत अच्छे से कर देता है। बट एज अ एंटी डैंड्रफ शैम्पू इसको कंसिडर मत करके चलना क्योंकि उतना ज्यादा ये वर्क नहीं करता इस काल पे, ठीक है। दैट्स व्हाट आई फील अबाउट दिस प्रोडक्ट। अगर आपको इसको बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बेहद धन्यवाद। आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक।